तो ये जो गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका मेन इसका फ्रंट व्यू है। एक बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उसका ये एक बड़ा सा एंट्री डोर। अब अंदर चलते हैं गाइस और अंदर से मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा कि क्या हाल है इस मॉस्क का। एक भाई राजा और दूसरा भाई फकीर। मैं हूँ आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आपको बेगमपुर मस्जिद। मैं लेकर आया हूँ आपको बेगमपुर मस्जिद में। मैं लोकेट करूँगी, ये दिल्ली में बनी हुई है और बेगमपुर में बनी हुई है। मैंने आपको क्यों बोला कि एक भाई राजा एक भाई फकीर, इसका आपको मैं आगे चल के बताऊंगा अपने ब्लॉग में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस समय मैं खड़ा हूँ जिस मस्जिद में, ये अपने आप में बहुत बड़ी मस्जिद है। अब मैं साथ साथ आपको बताऊँगा भी और साथ साथ आपको दिखाऊँगा भी। जस्ट एंटर करने के बाद ये आप देखें मस्जिद में इसकी दीवारें और इसका ऊपर डूम बना हुआ देखिए, बहुत ह्यूज डूम है। उसके बाद ये मस्जिद के दोनों तरफ बड़े बड़े गेट हैं और ये एक मेन एंट्री है जो मस्जिद की तरफ लेके चलती है। तो गाइस चले अंदर और मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ और इसके बारे में बताऊँ। तो गाइज ये मस्जिद के अंदर हम आ गए हैं और बिल्कुल बीचों बीच इस समय खड़े हैं। ये मस्जिद का जो आप जगह देख रहे हो गाइज, ये बहुत बड़ी मस्जिद रही है। आप देखिए यहाँ से आप अगर देखना शुरू करें तो पूरी मस्जिद में आपको एक बार सेंटर पॉइंट से दिखा रहा हूँ। ऊपर जो डूम बने हुए हैं ये 60 डूम है, मतलब 60 गुंबद बने हुए हैं, 60 गुंबद वाली मस्जिद है ये। और अब इसका जो स्ट्रक्चर है गाइज, स्ट्रक्चर तो इसका पूरी तरीके से जो है ध्वस्त हो गया हुआ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर की कुछ एक चीज़ें बताऊंगा जो आपको बड़ी हैरानी भी होगी। ये मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो मस्जिद है ये तुगलक टाइम की बनी हुई है। पहले ग्यासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट बताया था अपना पूरा का पूरा, और उसके मोहम्मद बिन तुगलक उनके बेटे आए, उन्होंने जो शहर दिल्ली का जो शहर था जहाँपना, उसका निर्माण उन्होंने किया था। और उसके बाद उसी झांपना शहर में इन्होंने ये मस्जिद का निर्माण करवाया, जो अपने आप में गाइस बहुत बड़ी मस्जिद है। तो गाइस ये अभी ये वाला डोर जो है बंद है, पूरा ग्रिल लगी हुई है, हम इधर से एंट्री करते हैं। ये पूरी मस्जिद जो है ओपन है और इसमें ये देखिए यहाँ से हम एंटर करते हैं। तो गाइस ये एक आप ना यहाँ से लुक लीजिए, ये मस्जिद का क्या हाल हो गया है आप देखिए। मैं आगे से आपको दिखाता हूं। तो ये गाइस ऊपर देख रहे हैं आप, इसका जो आर्क बना हुआ है उसकी ईंटें ऐसे दिख रही हैं कि ये अभी का अभी नीचे गिर जाएंगी। और ये आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इस आर्क को ऊपर देखिए रोकने के लिए। और ये गाइस मस्जिद का इस तरफ का पार्ट जो है देखिए जाली लगी हुई है, टूट गई है जाली। आई थिंक ये जो लेडीज के लिए रहता होगा कि जो मस्जिद में यहाँ पे ना आके इधर से ही इबादत करते होंगे या जो भी उनकी प्रेयर होती है करते होंगे यहीं से ही। तो ये सारा का सारा अंदर का ये वाला स्ट्रक्चर है और अब मैं आपको ये सामने का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ से पहले आप देखना शुरू कीजिए, ये देखिए ये मस्जिद का क्या हाल हो गया। और गाइज ये मेरे सामने पीछे देखिए, ये मस्जिद के पिलर इतने मजबूत, ये अभी ये ना नया फ्रेम बना के इसको रोका हुआ है, अदरवाइज तो ये लग रहा है कि पूरी की पूरी गिर जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में गाइज आपको बोला था एक राजा भोज एक गंगू तेली, एक राजा और दूसरा फकीर। गाइज ये दिमाग में ये जैसे ही मस्जिद में मैं एंटर किया ना, मेरे माइंड में यही आया, जितनी बड़ी ये मस्जिद है उतनी ही दिल्ली की जामा मस्जिद बड़ी है। मतलब जामा मस्जिद के पास जितना स्पेस है लगभग लगभग उतना ही स्पेस है और उतनी ही ह्यूज है। बट गाइस जामा मस्जिद तो एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत लोग आते हैं, बट इस मस्जिद का मैं हाल देख के तो बिल्कुल फकीरी वाला हाल हो गया मस्जिद का। ये कब गिर पड़े ये देखिए, ये फ्रेम इसका ये अभी ईंटों से बना के इसको ऊपर रोका हुआ है, वेरी स्ट्रेंज। तो गाइस ये देखिए ये पूरा बहुत बड़ा एक स्पेस है, यहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स हैं, ऊपर गुंबद बहुत बड़ा बना हुआ है, मीन्स बहुत बड़ा स्पेस है। इधर से भी देखिए, जब ये मस्जिद नई बनी होगी या जिस टाइम पे ये रनिंग कंडीशन में होगी कितनी खूबसूरत होगी, इस बात का आइडिया आप लगा सकते हैं इसके अभी जो गिरते हुए फ्रेम से।
सो गाइस फीलिंग नॉट गुड कि इतनी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, 1000 साल पहले ये मस्जिद बनी होगी, आज जगह भी बहुत है बट कोई केयर नहीं है। अगर दोबारा ऐसी चीज़ें आबाद की जाए तो जो है लोगों का तो इसके लिए क्रेज ही बहुत रहे। एनीवे ये देखिए पूरा बाहर से स्पेस, तो गाइस ये पूरा बाहर का फ्रेम देखो जो मस्जिद का मेन फ्रेम है, और इस फ्रेम में एंटर करने के बाद इधर से भी पूरा एक स्टेयर्स बनी हुई है जो ऊपर जाने के लिए, बट अब हाल देखो ये स्टेयर्स के तरह से पत्थर भरे पड़े हैं, बस ये ख़त्म ही है। अब यहाँ से जो है जाना बिल्कुल ठीक नहीं है अभी, बल्कि पता चला है कि कुछ लोग यहाँ पे शैतानी में ऊपर चले जाते हैं बट गिर भी चुके हैं और मिस हैपनिंग हो चुकी है उनके साथ। अब गाइज यहाँ पे आपको अगर सामने दिखाओ तो ये कुत्ते आराम कर रहे दिख रहे हैं, यहाँ पे डॉग्स हैं, शाम के टाइम बच्चे खेलने आ जाते हैं। सो गाइज अब कैसा लगा आपको, आप अपने कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, और क्योंकि कुछ चीज़ें हम ब्लॉग में इसलिए बनाते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में पता भी चले और इसकी अवेयरनेस भी फैले। सो गाइज मुझे एक तरीके से तो ठीक भी लगा कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी देख के, इतना अच्छा एक मॉस्क देख के जो बहुत पुराना और अभी क्या हालत में पड़ा हुआ है, इस चीज़ को देख के थोड़ा दुख भी हो। बट एनीवे गाइज आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेके चलूँगा आपको जल्दी किसी नई डेस्टिनेशन पे। और गाइज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से घूमते देखते रहें मेरे साथ नई नई चीज़ें।